तो ये है उत्तराखंड की स्पेशल भांग की चटनी। ऐसा लग रहा था हम बादलों पे ट्रैवल कर रहे हैं। सो हम आए हैं देखने सात ताल, जिनमें से हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। You all are having a lovely day. It is so good to see you all back. But if you're someone new, hi, I'm Sagrika Yadav and welcome back to my vlogs. So good morning guys, and I still can't believe कि मैं ये खूबसूरत से व्यू के सामने बैठी हूँ। So कल आप मेरे साथ चले थे भीमताल, जहाँ पे हमने की थी बोटिंग और हम गए थे एक्वेरियम आइलैंड कैफे। अगर मेरा भीमताल वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ पे कहीं डाल दूंगी। सो आज आप सभी लोग चलने वाले हो मेरे साथ कैची धाम, और अगर हमें टाइम मिला तो हम जाएंगे नैनीताल। तो चलिए जल्दी से रेडी हो जाते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। ओके लेट्स गो। आई एम रेडी फॉर टुडे विद दिस मिनिमल मेकअप लुक। मैंने ऑलरेडी अपना जैकेट पहन लिया है बिकॉज काफी ठंड हो रही थी कल के बारिश की वजह से, एंड वी आर रेडी टू गो आउट एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल व्यूज। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट ओवर हियर। नाश्ते में हमें मिला गरम गरम आलू के पराठे, दही अचार और ये स्पेशल चटनी। तो ये है उत्तराखंड की स्पेशल भांग की चटनी, जिसे भांग के बीज यानी की सीड से बनाया जाता है। और डोंट वरी गाइस, इसे खा के आपको कोई भी नशा नहीं होगा। द टेस्ट वॉज एब्सेंट Absolutely 10/10। अगर उत्तराखंड आए हो भांग की चटनी जरूर खाना। और आज का मौसम इतना प्यारा था, जो बादल थे वो काफी नीचे आ गए थे। ऐसा लग रहा था हम बादलों पे ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे तो मैं नैनीताल दूसरी बार आई हूँ, बट इतना खूबसूरत मौसम मैंने पहले नहीं देखा था। और पहाड़ों की हवा की बात ही कुछ और होती है। द पोल्यूशन फ्री फ्रेश एयर दैट यू कैन फील इन द माउंटेन्स इज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और बादल और काफी नीचे आते जा रहे थे। वैसे आगे जाके हमने देखा कि एक स्पॉट था जहाँ पे काफी सारे लोगों ने अपनी गाड़ियां रुकाई थी, तो हमने भी हमारी कार साइड में पार्क कर ली टू एंजॉय दिस ब्यूटीफुल मेस्मराइजिंग व्यू। सो ये ब्यूटीफुल सा सीनरी आप एंजॉय कर सकते हो ऑन द वे, और इस स्पॉट का नाम है नैनीताल सेल्फी पॉइंट। और यहाँ पे ऑफ कोर्स आप आके सेल्फीज फोटोज क्लिक कर सकते हो, जिसका बैकग्राउंड ये खूबसूरत वादियां होंगी। ऑलमोस्ट आप पूरा नैनीताल देख सकते हो यहाँ से, और इतना खूबसूरत लग रहा था। छोटे छोटे कलरफुल घर, बादल, माउंटेन्स, ट्रीज, इट वॉज जस्ट लाइक अ मूवी। और यहाँ आगे जाकर एक छोटा सा वॉटरफॉल भी था, जहाँ पर लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। नैनीताल के रास्तों में आपको भले ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ना मिले, लेकिन छोटे छोटे कई सारे प्यारे टूरिस्ट स्पॉट्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे आप इजीली अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हो। आपको मिलेगा गरम गरम चाय, कॉफी, मैगी, पकौड़े। यहाँ पे एक फोटो बूथ भी था, जहाँ पे आप जाकर अपने फोटोज क्लिक करा सकते हो। और ऐसा ही एक बहुत प्यारा रेस्टोरेंट मिला हमें यहाँ पे। देखने में तो काफी छोटा सा लग रहा था ये, बट अंदर जाके यहाँ का सेटअप वॉज समथिंग एल्स। देयर इज अ ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया सराउंडेड बाय द माउंटेन्स, क्लाउड्स, वेदर, इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी। और यहाँ से जो आपको पूरा व्यू देखने मिलता है ना, इतना ब्यूटीफुल था। बस इमेजिन करो कि यहाँ पे बैठ के आप अपना ब्रेकफास्ट या लंच एंजॉय कर रहे हो। OMG। और काफी बारिश होने लगी, तो इस रेस्टोरेंट का एक नीचे का फ्लोर भी है जहाँ पे वो कम्प्लीटली कवर्ड है, और वहाँ जाके आप अपनी पहाड़ों वाली मैगी एंजॉय कर सकते हो सीनरी के साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि नेस्ले इंडिया का आधा से ज्यादा इनकम तो पहाड़ों से ही आता होगा, फॉर श्योर, है ना। सो इस प्यारे से रेस्टोरेंट का नाम है सांची रेस्टोरेंट, ये आपको गूगल मैप पे जरूर मिल जाएगा। सो जब भी आप नैनीताल के रास्तों से गुजरे, यहाँ जरूर रुकना। और इस वक्त होने लगी थी काफी तेज बारिश, बट मौसम उतना ही खूबसूरत हो गया था। चलिए मैं आप लोगों को बाहर का नजारा दिखाती हूँ। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आप मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे हो। सो जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वेदर विद मी।
और मेरे ब्लॉग में यानी कि सागरिका के ब्लॉग में आप ये सारी चीजें मेरे साथ एक्सपीरियंस करते हो। अगर आप लोगों को मजा आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जब आप नैनीताल आओगे तो यू विल नो कि इसे द सिटी ऑफ लेक्स यानी कि लेक डिस्ट्रिक्ट क्यों कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे इतने खूबसूरत लेक्स आपको मिल जाएंगे घूमने के लिए। एक ऐसा ही प्यारा सा ताल देखने आई हूँ मैं, जिसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता था, बट मैं जब यहाँ आई तो इतना अच्छा लगा। इस लोकेशन का नाम मैं रिवील करूंगी कुछ ही मिनट्स में। यहाँ पर कार पार्किंग के लिए काफी एरिया था तो हमने भी हमारी गाड़ी पार्क कर ली, और एक फाइटिंग भी चल रहा था यहाँ पे। वैसे मुझे बंदरों से तो काफी ज्यादा डर लगता है एक्चुअली। और पहाड़ों में ना कैफे या रेस्टोरेंट्स के सिंपल आर्किटेक्चर भी इतने प्यारे लगते हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द लोकेशन। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी, काफी भीड़ था यहाँ पे, यानी कि काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये। अगर आपको अच्छा लगे तो नोट डाउन कर लेना अपने नेक्स्ट उत्तराखंड ट्रिप के लिए। शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे काफी सारी चीजें थी, बैग्स, टॉयज, ब्रेसलेट्स, और यहाँ पर काफी फैमिली रेस्टोरेंट्स भी थे, आइसक्रीम पार्लर और बहुत कुछ था यहाँ पे। इट वॉज द नाइस फैमिली टूरिस्ट स्पॉट विद सो मेनी एक्टिविटीज टू एंजॉय। सो हम आए हैं देखने सात ताल। और यहाँ पे इतने खूबसूरत अलग अलग डिजाइन के बोट्स अवेलेबल थे फॉर बोटिंग। यहाँ पे खाने पीने का भी आपको काफी कुछ मिल जाएगा, चाट, मोमोज, नूडल्स, काफी सारी चीजें थी। बच्चों के लिए भी एक अलग सा एक्टिविटी एरिया था जहाँ पे वो एंजॉय कर सकते हैं, एंड बड़ों के लिए भी काफी सारी एक्टिविटीज थी, जैसे कि ये वॉटर बॉल जो मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था। और ये सारी चीजें हटाकर आप बस यहाँ का बोटिंग भी एंजॉय कर सकते हो ये ब्यूटीफुल से सीनरी के बीचों बीच। सात ताल लेक को सात ताल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक्चुअली ये ग्रुप है 7 अलग अलग लेक्स का जो हिमालय के लोअर रेंज में बसे हैं। ये एक ऐसा लेक है जो घने जंगल के बीचों बीच बसा है, यानी कि यहाँ पे बोटिंग करते हुए आप हिमालय के खूबसूरत नजारे भी देख सकते हो। चल पड़े हैं हमारे फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ जो है कैंची धाम। ये धाम है श्री नीम करोली बाबा जी का आश्रम, और इसकी पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स यहाँ पर आए। इतना ही नहीं, फेसबुक के चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ पे आए नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद लेने। और ये मंदिर एक्चुअली एक बहुत फेमस हनुमान टेम्पल भी है, और यहाँ पे काफी सारे सेलिब्रिटीज का आना जाना है जिनमें से हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। ऑनेस्टली आई वॉज फीलिंग वेरी ब्लेस कि मुझे यहाँ पे आने का और दर्शन करने का मौका मिला। एंड ऑफ कोर्स कार पार्क करने के बाद हम भी चल पड़े दर्शन करने। वैसे तो इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी एंड ऑल इज नॉट अलाउड। यहाँ पे आपको काफी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, और शॉपिंग के लिए भी लाइन से काफी सारी दुकान है। आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हो, स्टैचूज, ब्रेसलेट्स, और ये है खूबसूरत सा मंदिर। जैसा आप देख सकते हो कि काफी भीड़ है, तो चलिए आपको ले चलती हूँ दर्शन के लिए। एंड ऑफकोर्स ये फोटोज मैंने गूगल से लिए हैं। तो ये है यहाँ का एंट्रेंस, और यहाँ से अंदर जाते एक लाइन है, और उसके बाद आपको देखने मिलेगा ये प्यारा सा स्टैचू श्री नीम करोली बाबा जी का। दर्शन करने के बाद हम चल पड़े कुछ खाने, बिकॉज काफी भूख लगने लगी थी। थोड़े ही दूर पे आपको ये एक रेस्टोरेंट देखने मिल जाएगा जहाँ पे आपको 90 या फिर 100 रुपीज में ये थाली मिल जाएगी। इसमें आपको मिल जाएगा दाल, चावल, कढ़ी, भांग की चटनी, सब्जी और रोटी। एंड फाइनली वी आर ऑन द वे बैक टू आर होटल। थके आ रहे हैं हम पहुंचे होटल, बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस खूबसूरत नजारे का नाइट व्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। रात को निकल पड़े वॉक पे, और एक प्यारा सा दोस्त भी बन गया हमें गाइड करने के लिए। और अगली सुबह हम निकल पड़े घर की तरफ। दिल तो बिल्कुल भी नहीं था यहाँ से जाने का, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था एक हफ्ता और रुक जाए यहाँ पे, बट वेकेशन वॉज ओवर एंड वी हैड टू गो बैक। बट सच में बहुत मजा आया ये दोनों ही दिन भीमताल और नैनीताल घूमने।
मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड उसके बाजू में वो बेल आइकन क्लिक करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी मेरे वीडियोस मिस ना करो। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।